आजकल कौन से क्राइम सबसे ज्यादा मांगे हैं? तो आपने भी देखा होगा, अभी हमारे सिटी सर ने भी प्रोग्राम दिया तो साइबर क्राइम ये अभी का फिलहाल तो ये है काफी बढ़ रहा है। साइबर क्राइम से चैलेंज है, फिर भी हमारे सर ने जो व्हाट्सएप चैनल रखा है 1930 जो हेल्पलाइन है साइबर का 8828121121 जो भी नया हेल्पलाइन खोला है। आप देखेंगे के बाहर भी हमने व्हाट्सएप चैनल का स्कैम कोड लगा है, जो भी पब्लिक आए उसको फॉलो करें और उससे अवेयरनेस सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब खुद में वो अवेयरनेस आएगी कि आप उसको कैसे नई विक्टिम बनेंगे साइबर का, वो अगर किया तो बहुत सारा कंट्रोल हो सकता है। जय हिंद सर। जय हिंद सर, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, यहाँ पे आप सभी मिलते और हम आपके पास आए हैं एक इरादा लेके कि आपके बारे में हम जानने के लिए आए हैं सर, और लोगों को कैसे हम मिला सकते हैं पुलिस के साथ, दैट इज कनेक्टिंग कॉप्स विद कम्युनिटी। तो ये हमारी जो मैगजीन और हमारी जो चैनल जो है प्रोटेक्टर, ये इस पे देखती है। और रिसेंटली हमने सीपी साहब का पॉडकास्ट किए थे, दिलगन साहब का किए थे। वैसे आपके काम के बारे में हमको काफी इंफॉर्मेशन मिला है कि आपने काफी अच्छे काम किए, तो इसलिए हमने सोचा कि आपके पास भी आ जाए और आपके बारे में जानकारी ले लें ताकि लोगों में बढ़ गया हो और लोगों की फायदा हो, सोसाइटी की फायदा हो, कम्युनिटी की फायदा हो। तो मैं 1996 में पुलिस डिपार्टमेंट एज ए सब इंस्पेक्टर ज्वाइन किया। शुरुआत में मेरा जो सर्विस हुआ है वो बॉम्बे घाटकोपर में हुआ है, क्राइम ब्रांच में काम किया है। उसके बाद मैं न्यू बॉम्बे, नागपुर, बहुत सारी जगह पुलिस ट्रेनिंग सेंटर खंडाला, यहाँ पे बहुत सारी जगह मेरा सर्विस हुआ है। करीबन यहाँ कुलविल में आके मुझे 1.5 साल हुआ है पुलिस स्टेशन में प्रभारी करके। उसके पहले मैंने बेलापुर में भी काम किया है, बेलापुर पुलिस थाने में भी काम किया है। यहाँ पे आने के बाद हमने काफी लोगों को जो है कि इंटरेक्शन करना उनके साथ, क्राइम कंट्रोल करना, क्राइम डिटेक्ट करना, ये जो सारी बातें हैं वो काफी अच्छी तरीके से की है। हमारा पुलिस स्टेशन का जो डिटेक्शन रेट है वो भी काफी अच्छा है, 90% अप्रोक्सीमेट डिटेक्शन रेट है। और ये सारा जो हुआ है जो हमारे ऑनरेबल सीपी सर है मिलिंद भारंबे सर, उन्हीं के मार्गदर्शन में होता है। वो यहाँ आने के बाद तो काफी बदलाव हुआ है मुंबई पुलिस कमिश्नर रेट में, ऐसा मैं बोलना चाहूंगा। आने के बाद उन्होंने जो 112 जो है हमारा कॉल सेंटर है उसका भी इनॉग्रेशन करके लोगों में काफी अवेयरनेस दिया कि बाबा तुमको जो भी कुछ कंप्लेंट होगा तो आप 112 पे कॉल कर सकते हैं और पुलिस वहां पे आपको तुरंत रिस्पॉन्ड करेगी। उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम रखा। महिलाओं में जो भी उनकी सुरक्षा है उनको मुद्दे को लेकर भी सर ने काफी निर्भया बता जो भी एक्टिव किया है, महिला कक्ष, सहायता कक्ष है, हर पुलिस स्टेशन में एक्टिव किया है ताकि जो महिला आए उसे सुरक्षित लगे कि अपन जो कंप्लेंट देने वाले हैं पुलिस की तरफ से उसको सुरक्षित लगे कि कॉम्पिटिशन रहे उसका कंप्लेंट। वो सारी चीजें जो है जो महिला ऑफिसर्स है, हमारी महिला जो स्टाफ है, उनको महिला का कंप्लेंट वही लेती है ताकि सामने कॉलिंग कंप्लेंट एंड महिला को भी लगे कि अपन सुरक्षित रहे और अपन सही जगह अपन आए हैं और सही जगह कंप्लेंट दे रहे हैं। और उसके बारे में भी काफी अवेयरनेस जो है हमने किया है। महिला हेल्पलाइन खुले हैं, महिला पेट्रोलिंग है हमारे लिए। दूसरा जो है पुलिस स्टेशन की जो बात की जाए तो काफी बहुत सारा गाड़ियां की, बहुत सारा प्रॉपर्टी मुद्देमाल था वो पुलिस स्टेशन में सब जगह इधर उधर पड़ा था। सर ने EMC जो है जो 2 जगह खोली है, एक तो इनारा पुलिस स्टेशन और यहाँ हमारे पुलिस स्टेशन के पीछे ही है, वहाँ 2 EMC सेंटर्स खोले हैं ताकि पूरा प्रॉपर्टी जो अपन सीज करते हैं क्राइम में वो सारा ऐसा उधर उधर पड़ा रहता था जो कि कोड एविडेंस में भी लगता है, बहुत इम्पोर्टेंट था वो। उस सर ने वो जो है हमारे ऑनरेबल DG मैडम थी शुक्ला मैडम, उनके हाथ भी उनका इनॉग्रेशन दिया था, वो भी वो EMC सेंटर खोला है और सारा मुद्देमाल जो है वो भी वहाँ रखते हैं ताकि पुलिस स्टेशन काफी क्लीन है। आप भी जा सकते हैं, देख सकते हैं, कोई भी दिन रूम में जाइए आप, आपको क्लीननेस दिखेगा। और पीछे जो बड़ी रूम बनी थी काफी, उसमें बहुत सारी लकड़ियाँ, जो भी पत्थर, जो भी क्राइम में जो इन्वॉल्व लेते हैं वहाँ पड़ा, वो सब अभी क्लीन हो गया है, काफी अच्छा लगता है पुलिस स्टेशन। और हमारे जो मुद्देमाल है वहाँ पे हमको तुरंत मिलता है, जिस दिन तारीख रहेगी उस दिन मुद्देमाल कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं तो सारा तुरंत मिल जाता है, ढूंढना नहीं पड़ता है ज्यादा, वो एक अच्छा फायदा हुआ है यहाँ। सर आप जब ये पुलिस स्टेशन में आए तो ये पुलिस स्टेशन कब था? मैं नवंबर 2022 में यहाँ पर ट्रांसफर हो गया था। इंग्लिश सेशन में। और इसके बाद में सर ये पुलिस स्टेशन में आपने क्या क्या डेवलपमेंट्स किए हैं, जैसे सीनियर सिटीजन की सुविधा के लिए करके हमने सुने आपको। हाँ, सीनियर सिटीजन के लिए भी सबने सब के मार्गदर्शन में हमने एक सेल ओपन किया था ताकि हर पुलिस सीनियर सिटीजन के घर पे जाएगा, उसका क्या प्रॉब्लम है, उसके घर पे दरवाजा ठीक से है या नहीं, सीसीटीवी है क्या, उसका केयर टेकर कौन है, कुछ रहेगा तो उनको भी 112 का जो भी ये है अपनी हेल्पलाइन है उनका नंबर दिया है। यहाँ पुलिस स्टेशन में भी बुला के उनको जो भी है हम सम्मान देते हैं, जो कुछ भी रहेगा कुछ भी मदद रहेगी। कभी कभी ऐसी ह्यूमिलिटी करके भी हम लोग उनको हेल्प करते हैं, कभी कभी रहता है कि पुलिस का कोई काम नहीं ऐसा नहीं बोलते हैं, ताकि वो सीनियर सिटीजन को लगे काफी सेफ है ऐसा लगना चाहिए। वो सारी सीनियर सिटीजन की हेल्पलाइन है, सीनियर सिटीजन का रजिस्टर रखा है हमने, उनके घर पे हमारे पुलिस एक 15 दिन में एक महीने में जाके विजिट करती है, तो वे आपको कुछ कम्प्लेट है क्या कुछ तकलीफ है पूछती है। और मेरा बहुत सारा रूरल एरिया है तो बहुत सारे गाँव में रहते हैं, तो गाँव में भी लोग बहुत सारे मदद करते हैं, अगर पुलिस जाएगा तो फिर बाकी लोग भी उनको सपोर्ट करते हैं ताकि उनको सेफ लगे। ये दृष्टि जैसे यहाँ पे कोई कम्युनिटी ऐसी बनी है सर जहाँ पे आप लोगों को हेल्प करने के लिए, जैसे हर सीनियर सिटीजन के घर पे हर का इंफॉर्मेशन रखना मुश्किल होता है, तो ऐसे कोई आपके पास ऐसे ग्रुप बनाए हैं जहाँ पे लोग आके आपको वॉलंटियरली काम करते हैं, आपको मदद करते हैं कि सर यही सीनियर सिटीजन है यही है, सोसाइटियों में कोई मीटिंग होती है सर? हाँ सर, सोसाइटी में तो आप मीटिंग लेते ही है ना, सोसाइटी के आजू बाजू के लोग ही गांव के जो लड़के हैं वही हमें हेल्प करते हैं, बहुत सारे वहाँ के ग्राम पंचायत सदस्य हैं उनसे भी हम लोग मिलते हैं, उनको भी बोलते हैं कुछ रहेगा तो फोन करो। पुलिस पार्टी हमारा बहुत अच्छा काम करते हैं, सबसे हमारा हर गाँव में एक पुलिस पार्टी है, जो भी है वो पुलिस पार्टी वहाँ पे गाँव में होने की वजह से वो नजदीक है तुरंत पहुंच जाता है, तो पुलिस पार्टी का काफी अच्छा हेल्प उनको मिलता है। मतलब ये पुलिस सहायता, ये सिविलियन है और ये पुलिस सहायता। पुलिस पार्टी को तो ऐसा अपॉइंट किया है एसडीएम सर ने, उनको पेमेंट दी जाती है बाइका दार, लेकिन वो गाँव में ही रहता है। जैसा कि यहाँ से कोई गाँव है काफी लंबे है, 25-27 किलोमीटर तक मेरा ज्यूरिडिक्शन है लंबा है, तो गाँव के पुलिस पार्टी वहाँ तुरंत पहुंचते हैं, जो भी हेल्प करेंगे वो करते हैं उनको घर में, और हर महीने उनका मीटिंग लेते हैं हम लोग, मीटिंग में भी उनको मदद है कि आप सारा जो भी है लगे गाँव में जो भी कुछ होता है तो आप हेल्प करो, वो भी काफी अच्छे हेल्प करते हैं। और ये नॉर्मल सिटीजन जो है वो लोग में से कोई आते हैं सर आपको हेल्प करने के लिए? या वो साइड में पास पहले पुलिस स्टेशन में जैसे आप बेलापुर में थे या नागपुर में थे, तो वो टाइम में आपने कभी देखा है कि कोई आम जनता भी आके बोलता है कि सर आपको हम सहायता करना चाहते हैं? जरूर जरूर, बहुत सारे लोग हैं जो अपना डिपेंड करता है कि आप उनको कैसा उनके साथ बिहेवियर करते हैं, तो लोग आते हैं, बहुत सारे लोग हैं, कुछ रहेगा कभी भी रहेगा तो सपोर्ट करो। जैसे अभी अभी बारिश का सीजन है, नदियों में सारा पानी बहता है, उसी टाइम बहुत सारे लोग आते हैं, अभी बहुत बहुत बड़े पहाड़ भी है हमारे पास, किले हैं, वहाँ पे कोई फंस गया है तो तुरंत बहुत सारे लोग ऐसे नंबर से हमारे पास, उनको फोन करे तो तुरंत हमें वहाँ पे हेल्प के लिए सहायता पहुँच जाए। और दूसरी बात जो है सर, जैसे आपकी जो पुलिस स्टेशन की जो जुरिडिक्शन है, तो यहाँ पे जो वुमन के लिए जैसे आपने बताया भैया आपकी गाड़ियाँ करके, और उसमें सर वुमेन पुलिस कांस्टेबल भी और पुलिस ऑफिसर भी ज्यादातर करके इन्वॉल्व होते हैं। हाँ, पुलिस ऑफिसर ही रहती है, लेडी और पुलिस ऑफिसर रहती है और लेडी वुमन ही रहती है, तो लेडी कांस्टेबल्स है हमारे, वो स्टाफ जो है वो कोई गाड़ी पे वो रहता है, कुछ कॉल आता है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है किसी लेडीज को तकलीफ है तो तुरंत वो हमारे लेडीज वहाँ पे पहुंचती है। ये क्राइम प्रिवेंशन जो है वो आप आने के बाद आपको कितना कम करने में कितनी आपको सक्सेस मिला है आपकी सक्सेस? बहुत सारे, अभी देखो हमने आने के बाद तो बहुत सारे गाँव है, ग्राम पंचायत है मेरे पास बहुत सारे, तो हमने सबसे पहले गाँव वालों की मीटिंग लिया सरपंच की। सबसे अभी जो हाई टेक्निक है वो तो सीसीटीवी है, क्योंकि सीपी सर ने हमें आते ही सीपी सर का पहला प्रोजेक्ट था कि जितना ज्यादा हो सके उतने सीसीटीवी आप इंस्टॉल करो अपनी जुरिडिक्शन में, तो हमने सारे गाँव वालों को बुलाया, सरपंच को बुलाया, वो सबका ये था कि भाई हमको गाँव में लगा सकते हैं ग्राम पंचायत के थ्रू, लेकिन वो हमें परमिशन नहीं आता है, हमको ठहराव लेना पड़ता है। तो फिर मैंने वीडियो को एक लेटर लिखा, जो गट विकास अधिकारी बोलते हैं उनको लेटर लिखा, उनको बोल दिया कि भाई हम गाँव में ऐसा है सुरक्षा के लिए सीसीटीवी लगाना चाहते हैं, तो उन्होंने भी तुरंत हर ग्राम पंचायत को ऑर्डर ही निकाल दिया कि आप सीसीटीवी लगाओ, तो मैंने मंजूरी दे दी करके वीडियो साहब ने खुद पत्र दिया, और उसी हिसाब से फिर हर ग्राम पंचायत में अभी कम से कम मैंने 400-450 सीसीटीवी मैं आने के बाद पूरे जुरिडिक्शन में लगा है, तो बहुत सारा क्राइम कंट्रोल हुआ है और बहुत सारी क्राइम डिटेक्ट भी हुए हैं उससे। सीसीटीवी तो आजकल बहुत अच्छा सर कंट्रोल, क्राइम कंट्रोल करने के लिए तो मैं सोचता हूँ सबसे अच्छा माध्यम है, और सब नाइट विजन टीवी है, नाइट ये है, इसीलिए बहुत सारा क्राइम कंट्रोल में है। अभी जैसे आपकी पुलिस स्टेशन को हम सलाम मारते हैं, ट्राफिक पुलिस स्टेशन को हम सलाम मारे हैं कि जैसे एंट्री वो होती है, जैसे आपकी स्टाफ की जो रिसेप्शन जो है वो एकदम फ्रेंडली एटमोसफियर देता है। ऐसे कभी नहीं कि भाई कोई आया है क्या है, ऐसे ऐसी लैंग्वेज नहीं। तो ये आपको एक क्रेडिट देते हैं कि आप जैसे लोग जैसे आए तो ऐसे लगता है कि यार कोई पुलिस स्टेशन में आए, कोई ऐसे भी आए, भैया एक दोस्त के घर आए, उसको मिलने आए, उसके ऑफिस में आए, ऐसे करके माहौल आपको क्रिएट करने में आप ये कैसे क्रिएट? तो देखो शुरू तो वही बोलो ना, राजा वैसा बचा है, सीपी सर ही हमारे इतने फ्रेंडली है, आप भी उनको देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आता है कि अरे इतने सब अच्छे इंसान है, तो हम लोग भी जितना कोशिश हो सके। और बहुत लोगों की भी सहायता बहुत हुई है, ताकि पुलिस स्टेशन देखोगे आप तो बिल्कुल तो क्लीन है, आप देखो कहीं भी चले जाओ, आप कोई भी रूट पे चले जाओ, लोगों के प्रति भी प्यार है। हम भी अच्छे स्टाफ के साथ भी अच्छा बर्ताव आना है, उनको प्यार से समझाना, वो बहुत सारी बातें मायने करता है। हम उनको प्रेशर में नहीं रखेंगे तो वो भी फ्रेश रहेंगे और अच्छी बात करेंगे आपसे, अच्छा बात करेंगे। जो भी पुलिस स्टेशन में आप चले जाओ पहले के मुताबिक आज की कंपैरिजन में, खास करके नवी मुंबई के अंदर जैसे एनआरआई पुलिस स्टेशन था वो एक छोटा सा इसमें था, आज वो कितनी अच्छी पुलिस स्टेशन लग रही है। और वहाँ कोई भी पुलिस स्टेशन चले जाओ ऐसे नहीं लगता है कि भाई पुलिस स्टेशन आया है, यहाँ पे कोई गंदगी है, यहाँ पे हाइजीन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, एकदम साफ सुथरा। कैसे आप मेंटेन? सर देखो अभी जो साफ करने वाले जो कामगार है वो भी समय दिए, अपॉइंट किया अपने, दो दो लोग हैं जो हर दिन पूरा पुलिस स्टेशन साफ करते हैं, टोटल क्लीननेस है। सबसे तो इम्पोर्टेंट अपन यहाँ घर से ज्यादा पुलिस स्टेशन में बैठते हैं, तो मुझे लगता है यहाँ जितना क्लीननेस रहेगा उतना आप लोग को फ्रेश रहेगा, उतने फ्रेश से आप काम कर सकते हैं, सामने वाले को बात जो भी है कंप्लेंट आया उनका सुन सकते हैं। आप फ्रेश रहोगे तो उनका भी सुनने में जो भी कंप्लेंट है वो आप अच्छी तरह से उनको डील करोगे, उनको भी लगेगा कि अपन अच्छी जगह आए। वही हम लोग आने के बाद कम से कम यहाँ जो बाहर से लेडीज आती थी उन्होंने बोला कि साहब कंप्लेंट करने के लिए उनको बाथरूम के लिए सुविधा नहीं थी, उनको अंदर पुलिस स्टेशन के अंदर आना पड़ता था। तो मैंने बाहर के साइड एक लेडीज 5-6 लेडीज टॉयलेट और जो भी है 3 लेडीज और 3 जेंट्स टॉयलेट नए कंस्ट्रक्ट करके वहां पे हमने बांधे हैं, ताकि वो लोगों को सुविधा मिल सके। पानी के लिए हमने जो भी है एक्वा गार्ड का बनाया है, पानी बाहर रखा है ताकि वो पानी भी उनको मिल सके, ध्यान बैठे के लिए वो सब चेयर सब नया लगा है, तब उनको लगे कि अपन घर आए हैं, ऐसा उनको भी लगना चाहिए। प्रेशर में नहीं आना चाहिए, प्रेशर में आने का वो फ्री उनका जो भी कंप्लेंट है वो देना चाहिए, वो सब एक्सपोजर जो है हमने सब लोगों की सहायता से यहाँ तैयार किया सब कुछ। क्योंकि अभी मैं 3-4 पुलिस स्टेशन जाके आया और 3-4 पुलिस स्टेशन में ऐसे कभी नहीं लगा कि मैं पुलिस स्टेशन में आया। जो लोगों की जो जैसी जो बातचीत जो होती है, जो प्यार मोहब्बत से वो लोग बात करते हैं, कि जो ये वहम जो पब्लिक में है वो गलत है। आप लोग जो जिसके हिसाब से आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं और हमें ये लगता है आप उसमें लाइट डाल सकते हैं कि जो अगर आपने हमारे अगर हमने आपके साथ आके सहायता की तो आप भी हमारी सहायता करेंगे, जरूर, ठीक है। और ऐसे नहीं भी करते हैं हम लोग आगे तो भी आप लोग नॉर्मली आगे सहायता जितनी आपकी दायरे के अंदर होता है उतने के अंदर आप करेंगे। ये सही है, सही है, एकदम बराबर। तो ये हमने नोटिस किया है काफी पुलिस स्टेशन में जब आते हैं, जब लोग गर्मा गर्मी में भी आते हैं, तो इसके हिसाब से आपकी ये जो हैंडलिंग कैपेसिटी जो है इसके लिए प्रोटेक्टर टीवी आपको सैल्यूट करता है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। दूसरी बात जो है सर, क्राइम में आजकल कौन से क्राइम सबसे ज्यादा मायने रखता है? आपने भी देखा होगा अभी हमारे सीपी सर ने भी प्रोग्राम दिया तो साइबर क्राइम ये अभी का फिलहाल तो ये है काफी बढ़ रहा है। प्रॉपर्टी ऑफेंस से भी ज्यादा जो भी ऑफेंस है उनका प्रॉपर्टी और साइबर क्राइम का प्रॉपर्टी 167 करोड़ अप्रोक्सीमेट जो भी है आज तक गया है। इस साल की बात करें तो साइबर क्राइम से चैलेंज है, फिर भी हमारे सर ने जो व्हाट्सएप चैनल रखा है 1930 जो हेल्पलाइन है साइबर का 8828121121 जो भी नया हेल्पलाइन खोला है पब्लिक को, ताकि कंप्लेंट करे जितने हम लोग। तो वहाँ पे आप देखेंगे पुलिस के बाहर भी हमने व्हाट्सएप चैनल का स्कैम कोड लगा है, जो भी पब्लिक आए उसको फॉलो करे और उससे अवेयरनेस सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब खुद में वो अवेयरनेस आएगी कि आप उसको कैसे नई विक्टिम बनेंगे साइबर का, वो अगर किया तो बहुत सारा कंट्रोल हो सकता है। अभी रही बात डिटेक्शन की, उसके लिए भी तो हम लोग बहुत सारी कोशिश करते हैं, लेकिन साइबर क्राइम में ये है सर कि आपको फिजिकली वहां जाने की जरूरत नहीं है, मैं बाहर आउट ऑफ स्टेट रह के भी आपका पैसा चुरा सकता हूँ आपके बैंक से। यही उसकी सबसे बड़ी दिक्कत है। दूसरे ग्रह में आपको फिजिकली वहां प्रेजेंट रहना पड़ेगा, वैसा इसमें नहीं है। इसीलिए सबसे ज्यादा है कि लोगों में अवेयरनेस आए ताकि वो उसका विक्टिम ना बने और वो उनके पैसे ना जाए। इसके लिए हम बहुत सारी कोशिश ऑनरेबल सीपी सर भी सर सारे डीसीपी सर सारे लोग कर रहे हैं। उसी के मतलब वही एक अच्छा है फिलहाल आज के डेट में कि अवेयरनेस लाए लोगों में और वो उसी को विक्टिम ना बने। साइबर आपके पुलिस स्टेशन में साइबर क्राइम की जो हैंडलिंग करने के लिए कोई डेडिकेटेड ऑफिसर है? हाँ, एक ऑफिसर और 30 स्टाफ मैंने नियमा अपॉइंट किए हैं ऑलरेडी स्पेशल के ऑर्डर के मुताबिक। वो लोग कोई भी विक्टिम आया हो, एनसीआर की जो हमारा पोर्टल है गवर्नमेंट का, उसी पे भी जो कंप्लेंट आते हैं उनको हम रोज हैंडल करते हैं। कंप्लेंट को बुला लेते हैं, जो भी जितना हो सके, जो गोल्डन आवर्स जो बोलते हैं पहले 3-4 आवर्स में अगर आप तुरंत कंप्लेंट किया तो आपका पैसा शायद ब्लॉक हो सकता है, आगे किसी अकाउंट दूसरे अकाउंट में जाने से अपन उसको रोक सकते हैं। तो वो जो है उसी के बारे में हमने सेपरेट स्टाफ और ऑफिसर्स रखा है, वो लोग वही काम करते हैं। आने के बाद तुरंत जो भी हेल्प लगे और सामने कंप्लेंट को हेल्प आपसे दिया जाता है। बैंक आपको सपोर्ट करते हैं इसमें, जो आप जैसे आप जैसे फ्रीज करते हैं, आप नोडल ऑफिसर को, मेरे ख्याल में आप नोडल ऑफिसर को लिखते हैं, तो ये लोग जो इंफॉर्मेशन आप मांगते हैं लाइक बेनिफिशियरी अकाउंट के डिटेल्स, वो कौन सा ब्रांच है, वो सब जो आप मांगते हैं, कितना पैसा बैलेंस है, कितना लीन अमाउंट है, कितना फ्रीज अमाउंट है, वो सारी बातें बैंक हमें बहुत सारी बार सपोर्ट करती है आज। और अभी तो ऑनलाइन भी फ्रीज कर, तो मैंने वही बोला ना आपको, जब से मेल जाएगा वो तो भी फ्रीज करते हैं और हमें बहुत सारी जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है एज पर लॉ वो सारी प्रोवाइड करते हैं बैंक हमें। अभी सर अगर रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी के लिए उसको फाइल करना है तो प्रोसीजर क्या होता है? अगर सब जो ब्रीच हो गया तो कोर्ट में एप्लीकेशन करते हैं रिटर्न ऑफ फाइल के लिए। कोर्ट फिर हमें वो फॉरवर्ड करता है। फिर हम लोग जो भी है वो अकाउंट होल्डर होता है जिसके अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है पैसा, उसी को नोटिस इश्यू करते हैं। उसका कुछ कहना है तो बहुत सारे बार को अकाउंट होल्डर रहते ही नहीं, उसे अकाउंट में बोगस अकाउंट होते हैं। उसका रिप्लाई नहीं आया, उसके बाद फिर हम कोर्ट को देते हैं कि भाई ये अकाउंट से ये अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ है विक्टिम का, जो भी कंप्लेनर का, तो आप उसे देने के लिए हम लोग एनओसी देते हैं। कोर्ट वो ऑर्डर कर देता है और कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक कोर्ट का प्रोसीजर कैसा होता है? कोर्ट तो जैसा कि कंप्लेनर ने एप्लीकेशन किया वो हमारे पास फॉरवर्ड करते हैं कंसर्न पुलिस। मतलब पहले उसको क्या ऑनलाइन करना चाहिए? ऑनलाइन तो मैंने वही बोला ना 1930 है, उसे भी ऑनलाइन आपको जैसे ही फ्रॉड हो तो आपने उसको कंप्लेंट करना ही है। उसमें कंप्लेंट कर एनसीआर की पोर्टल जो है हमारा नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग, उसे पे भी कंप्लेंट करना है आपको। आपके साइबर क्राइम, हाँ, जो भी हमारी हेल्पलाइन है, मैंने बोला साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन भी है ना? हाँ, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन भी है हमारा सौली में, कदम साहब वहाँ के सब सवाल के, वहाँ साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन भी है। तो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन से जैसे अप्लाई किए हैं तो जितनी मैंने जानकारी लिया हूँ, क्योंकि जब सीपी सर ने जब प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था सिर्फ कन्वेंशन सेंटर में, उसमें मैं भी था, मेरे को भी इन्वाइटिंग करके बुलाए थे, तो मैं भी उधर आया था। तो उधर मैंने देखा था कि कितनी अच्छी तरह वो लोग बता रहे हैं कि कैसे कैसे था और कितनी पब्लिक वहां पे थी। तो पब्लिक को क्या होता है आज, जितना जो जानकारी जो ऐसे मार्केट में जैसे हम लोग घूमते हैं जो पता चलता है यार इसका पैसा ये शेयर मार्केट में इतना गया है, तो पब्लिक ज्यादातर करके आगे नहीं बढ़ती। इसलिए तो बोला ना मैंने ऑनलाइन ही है सब, आपको पुलिस स्टेशन आने की भी जरूरत नहीं, आपके मोबाइल से ही आप कंप्लेंट कर सकते हो। इसलिए तो मैंने व्हाट्सएप चैनल बोला ना आपको 1930 है, 882812112112 नंबर भी है, उसी में आप कंप्लेंट कर सकते हैं ना, आने की जरूरत नहीं है। तो ऑनलाइन ही आप कंप्लेंट करोगे, वही तो बोल जाए जिस टाइम आपके साथ कॉल हो जाए उसी टाइम आप कंप्लेंट करो। 24/7 आपके लिए हेल्पलाइन खुली हमारी, ताकि आपका अमाउंट जो है फ्रीज हो सके, आगे नहीं जा सके, उसी के लिए तो है वो सारी बातें। बट सर जैसे आप लोग पहले जो देते थे, अभी तो मेरे ख्याल में नया कानून के बाद रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी 451 पे नहीं होता है, मगर 503 DLS के हिसाब से होता है। तो ये जो रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी के लिए जो आप बैंक में स्टेटमेंट भेजते हैं, तो बैलेंस अमाउंट ये लोग जल्द से जल्द देते हैं सर? गोल्ड का ऑर्डर होने के बाद लोकल ब्रांचेस में भी आप बेचते हैं, जैसे आपको जैसे डायरेक्ट तो हम लोग नहीं बेचते रिटर्न करो करके, नहीं रिटर्न के लिए हाँ सर भाई बैलेंस कितना, क्योंकि बात इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ कि जब कोर्ट में अपन फाइल करनी है, अब वो बैंक में बैलेंस होगा, कोर्ट में फाइल करेंगे तभी उनके पास बैलेंस होगा तभी वो फाइल करते हैं ना कंप्लेंट। उनको आप बता दे कि अभी मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 लाख रुपए किसी का गया तो 1 लाख मतलब बैंक उनके जहां से कुछ वो बैंक में बैलेंस होगा तो ही वो रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी करेगा, आगे चला जाएगा तो वो रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी देगा। मैं कोई बात कहा हूँ कि जब से आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि बैंक से निकला रहेगा तो कोटक महिंद्रा बैंक समझो की लास्ट में ट्रांसफर गया है समझो 5 लाख रुपया, ठीक है, और टोटल पैसे कितने भी है उसमें 5 लाख रुपया टोटल इसका फॉर एग्जाम्पल। अब उधर जो है 3 अमाउंट एक पर्टिकुलर अमाउंट आती है, फ्रीज अमाउंट आती है और बैलेंस कितना है वो भी आता है। तो अगर बैलेंस उसका 40 लाख है फॉर एग्जाम्पल, वो 40 लाख का फिगर आपको मिलता है, अब मिलता है ना उसका बैलेंस कितना उधर मिलता है बैंक से मिलता है, तो ऑफिसर को कुछ जाना पड़ता है। मैंने ईमेल किया तो ईमेल से भी हमको मालूमात देते हैं लोकल ब्रांच लोकल, लेकिन कंप्लेंट होना जरूरी है हमारे पास, कंप्लेंट होने के बाद भी हम लोग बैंक को देते हैं तो बैंक हमें सारे लोकल ब्रांच देती है। हाँ लोकल ब्रांच भी देती है हमें, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका बाहर का भी अकाउंट हो आउट ऑफ स्टेट का भी रहेगा तो यहाँ की जो लोकल ब्रांच वही वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो इसी दायरे पर आप लोगों की जो रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी का केस जो है उसका केस काफी कुछ बढ़ना चाहिए। सारे केस में ऐसा होता है सेकंड अकाउंट में गया, थर्ड अकाउंट में गया, कितने अकाउंट में पैसा गया वो इम्पोर्टेंट है। अभी जैसे एग्जांपल बोला 5 लाख का मेरा ये अकाउंट से बी में गया, बी में 5 होना चाहिए ना, 20 ने वापस सी डी आगे फॉरवर्ड हो गया है तो फिर वो बैंक में अगर बी अकाउंट में नहीं रहेगा तो अपने रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा ना। थर्ड लेयर तक जाती है ना सर, थर्ड का 10th लेयर बन जाती है, वही बोलना चाहो तो लास्ट में वो बैंक में कितनी बैलेंस है अभी साहब उस पर डिपेंड करता है रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी। भाई वही बोला आपको कि मेरा 5 रुपए गया तो 5 रुपए होना चाहिए तभी रिटर्न, 2 रुपए होगा तो 2 रुपए मिलेगा, अगर बैलेंस ही नहीं तो कितना ही मिलेगा। तो ऐसे केस होते हैं ना, आपने बैलेंस बता दिया, अभी समझो मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, मैंने आपके पास आया हूँ, मैंने फाइल किया हूँ 1930 में, आपने मुझे बात बता दिया कि भाई ये बैंक में 30 लाख रुपया है तो तेरा जो 2-3 लाख रुपया है वो निकल जाए फॉर एग्जाम्पल, बराबर, ठीक है। मगर ये भी बात काफी हो जाता है ये एडवोकेटों के बीच में, मैं इस बात पे इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि एडवोकेट लोग जो है वो लोग डिले करते हैं जब केस को रिटर्न करनी, तो खुद कंप्लेनेंट भी लिटिगेंट बन सकता है क्या? एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, खुद भी कर सकता है वो कंप्लेंट कॉपी जो भी अटैच करके वहाँ पे फाइल कर सकते हैं, ना एफआईआर भी लेते हैं ना, यहाँ एफआईआर भी फाइल कर सकते हैं आप, उनको तो वेलकम है। हम लोग एफआईआर भी लेते हैं, एफआईआर होने के बाद भी फिर आपके इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं इस केस के, ऐसा हर बार में ऐसे विदाउट एफआईआर काम नहीं होता है, बहुत सारी बार एफआईआर ही लेते हैं हम लोग, मोस्टली आएगा उसका वेलकम है उसका एफआईआर लेते हैं, एफआईआर के बाद भी वो प्रोसीजर वापस वही कर सकते हैं, जब वो 10 अकाउंट में जाए 15 अकाउंट में जाए तो इन्वेस्टिगेशन में वो सारी बातें क्लियर होती है। तो ये अगर आम आदमी लोग को अगर आप जनरल पब्लिक को आप ये अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि भाई आप खुद भी फाइल कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो देखे हैं तो एडवोकेट बोलता है कि एडवोकेट का नॉर्मल चार्ज तो 25,000 रुपया तो होता ही है, उसके बाद केस में वो भी खुद फाइल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोर्ट इशू उनके लेटर पे भी हमें जो अगर अमाउंट लाखों में है तो एडवोकेट को रखना छोटा अमाउंट है 20-25 हजार रुपए तो कोई और करेगा, अब 20-25 हजार उसको उतना ही खर्चा होगा, ओके कोई भी कर सकता है एप्लीकेशन कोर्ट में, कोई प्रॉब्लम नहीं। ई फाइलिंग और पेटिशन जो है कंप्लेंट पूरी उनको एप्लीकेशन की हमारा पैसा हमें वापस मिले कोर्ट में वो फाइल कर सकते हैं, कोर्ट बाद में कंसल्ट पुलिस जो भी रहेगा उनका सही मंगाएगा क्या है इसमें बताओ स्टेटस का। क्योंकि मैं पुलिस स्टेशन में बैठा था तो साहब ने बोले आपने एडवोकेट के पास क्यों जाते, आप खुद ही कर उसका कुछ 1,32,000 था कर सकते हैं, भी करता है तो आप उसमें भी सपोर्ट करते हैं। हाँ उनका बोर्ड से आया तो हम दे रहे हैं जो लिटिगेंट को भी जितना उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारे हम लोग उनको देते हैं, जितना हेल्प कर सके हम लोग हमारी तरफ से हर केस में करते हैं, हर किसी को उसके लिए डेडिकेटेड स्टाफ भी हमने बताया है, ऑफिसर स्टाफ रहते हैं। आजकल सुनने में आया कि बैंक में भी हर ब्रांच में एक पीआरओ लाइसेंसिंग ऑफिसर रखा है, वो भी बहुत बैंक में बहुत सारा सपोर्ट करती है ना, कोई प्रॉब्लम आजकल तो काफी मैंने तो ऐसा मुझे लगा नहीं कि बैंक सपोर्ट नहीं करती, ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं मुझे ऐसा, हर वक्त सपोर्ट करती है। सर आपका कोई ऐसे कोई इंसिडेंट है जो आपके दिल में कभी नहीं रहेगा जिसके बारे में आप बोलना चाहते हैं? चार लोगों का मर्डर केस था पुराना काफी, तो उसकी जरा ब्रीफ दे सकते हैं सर? आप कैसे कैसे उसको ट्रैक किए, कैसे कैसे उसको सॉल्व किया? फार्म हाउस था वहाँ पे पैसे का जो भी है बारिश गिरा था वो करके एक आदमी था, चार लोगों को लेकर गया था वहाँ पे और दिवाली का समय था, वो दिवाली का दिन था, लक्ष्मी पूजन तो होगी, और चारों लोगों को दारू बीरू पिला के उसमें सारा जो भी है नींद की गोलियां मिला के सबको पिला दिया। उन्होंने पैसा लाया था चार लोगों ने, कम से कम 20-25 लाख रुपए लाया था, वो 20-25 लाख का करोड़ रुपए करके देने वाला था, ऐसे सबको बताया, सब स्टोरी बताया था। और चारों को रात को दारू बीरू पिला के रात में फिर तीनों पे फायरिंग कर दिया था, और चौथे में उसके पास गोली नहीं थी तो पत्थर से मार दिया था। ऐसे 4 मर्डर का केस है, ये पनवेल का ही है, इधर का शेरौली गाँव का। तो उस टाइम वो चारों का मर्डर करके मार दिया था। उसका फायरिंग हुआ था तो दिवाली के पटाखे भी फूट रहे थे, लोगों को लगा आजू बाजू भाई होगा पटाखे फूटे। सुबह जब मालूम पड़ा तो पता चला कि 4 बॉडीज वहाँ पे फार्म हाउस में मिली थी। तो हम लोग गए तो काफी इन्वेस्टिगेशन किया, उसमें जोशी करके थे ब्राह्मण जिसको बोलते हैं, महाराज को भी थे, तो पता चला कि यहाँ किसी को बुलाया था, रात कौन बुलाया वो मालूम नहीं था। बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन के बाद फिर हम लोगों ने उसने धन बाबा करके एक नाम रखा था उसने मोबाइल में, और उसने जो एक्यूज था उसने जो मोबाइल इस्तेमाल किया था वो जो मर गया उसी के नाम पे दिया था, और वो उस मोबाइल से वो चारों लोगों को कांटेक्ट करता था, बाकी किसी को नहीं करता था। तो हमने सब इन्वेस्टिगेशन करते 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 फिर चारों के मोबाइल डिटेल्स मंगाए, तो उसे भी पता चला एक जोशी करके था, उसने धन बाबा करके नाम सेव किया था। हमें थोड़ा डाउट आया कि ये धन बाबा कौन है, धन बाबा का देखा तो धन बाबा न्यू करके भी उसने नंबर सेव किया था जो कि नया नंबर था, हमें जो डाउट था उसमें से हमें पता चल गया कि ये न्यू जो आदमी जिसने ये वापरा है, जो चारों के साथ जो कांटेक्ट करने के लिए मयत का ही मोबाइल वापरा है, उसे भी धन बाबा करके था। धन बाबा का हमने निकाला डिटेल तो पता चला वो रसाई का कोई वाघ मारे करके था, वो उसी ने वो चारों को बुला के वहाँ पे सब पैसा डबल करके देता हो, ये करके देता हो, बारिश गिराता हो पैसे का, इसी करके उसको चारों को मार दिया था। फिर उसे हमने आइडेंटिफाई किया, उसे पकड़ा, प्रॉपर्टी जो भी कैश था सारा रिकवर किया। अच्छा केस था वो, अभी याद रहेगा ऐसा है। और कोई जो आपके दिल के लिए बहुत ये चीज है, जैसे 26/11 था जो अपना सीपी साहब भी उधर ग्राउंड पे थे, जैसे उनकी दिल में है कि ऐसे कोई केस है जो भाई मैं नहीं बोल सकता, बड़ी दिल में मुझे लग गया, ऐसे कोई केस है जो इमोशनली मैं खुद मजबूर रहा था और यहाँ पे वो केस में मैंने सक्सेस पाया? ऐसे कोई 3 साल का एक बच्चे का था, उसी टाइम करता था, पुराना केस है, हमने काफी यूपीएस से लाया था, दिल्ली किया। बुरा लगता है कभी कभी तब सब सुनने के बाद, अब तो पता है छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको जब ऐसा अत्याचार होता है तो वो चैलेंजिंग था काफी, लेकिन वो भी हमने ढूंढ के निकाला था, यूपीएस से फिर पकड़ के लाया था, और फिर काफी अच्छा लगा कि चलो किसी को न्याय दे सकते और कोर्ट पे भी शिक्षा हो जाए, वो सबसे अपने लिए गर्व की बात होती है। ठीक है वो डिटेक्शन कर रहा था, ठीक है आजकल आरोपी पकड़ना वगैरह उससे ज्यादा अगर उसको पनिशमेंट होगा या कोर्ट पे जो भी शिक्षा होगा तो काफी दिल को सुकून मिलता है, अपने कुछ किया और उसका जैसे बोलते हैं सेटिस्फाई होता है आदमी ने, चलो अच्छा हुआ, किसी को पनिशमेंट हो जो भी कोर्ट में शिक्षा वगैरह फांसी जो भी होता है, सारा प्राउड फील होता है जब ऐसी केसेस में आप होते हैं। अब हमको ये भी सुनने में आया कि नवी मुंबई में एक फॉरेंसिक लैब खुलने वाला है ना, साइबर के लिए ना? हाँ साइबर के लिए तो ऑलरेडी लैब है, टूल्स है अपने बहुत सारे वहाँ पे भी है, और 2 यूनिट भी है हमारे जोनल सर के अंदर भी है, और जोनल सर के अंदर भी है, वहाँ भी एक पी आई और स्टाफ डेडिकेटेड काम करता है। और ट्रैफिक में भी कभी किया है सर? नहीं सर ट्रैफिक हाँ। तो और आपकी जो जर्नी जो स्टार्ट हुई जो क्राइम ब्रांच में, जो जैसे आपने बताया थे कि 1997 में आपने स्टार्ट किया, 96 में आपने स्टार्ट किया थी आपने पुलिस जर्नी आपके सर्विस करता, तो उस टाइम से लेकर आज तक की थोड़ी ब्रीफ दे सकते हैं सर? जरा पहला तो वही नाटकों का जिस सेशन था, 10 क्वेश्चन किया मैंने। उसके बाद बॉम्बे ड्राइव राइस, न्यू बॉम्बे में भी ड्राइव राइस को अच्छा काम किया है काफी। वो सारे काम से सर जो भी गैंगस्टर है रवि पुजारी गैंग, उससे बड़े बड़े उसी टाइम जो भी काम किए हैं अभी भी याद है बहुत सारे। क्राइम ब्रांच और डिटेक्शन, क्राइम ब्रांच बोले तो वही रहता है, मेन तो डिटेक्शन होता है। तो बहुत सारे चैलेंज ज्यादा रहता है, का टाइम रहता है आपको पोजीशन में। लॉ एंड ऑर्डर ये सारी बातें आती है, कंप्लेंट एंड लॉ एंड ऑर्डर ये सब बातें। क्राइम में थोड़ा सा वक्त रहता है, हर किसी केस को अपन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये पुलिस स्टेशन और क्राइम ब्रांच में यही फर्क है। तो हाँ, टाइम मिलता है हमको बहुत सारे केसेस सॉल्व करने के लिए। पुलिस स्टेशन में लॉ एंड ऑर्डर है, ये सारी बातें है, विद डिटेक्शन है। थोड़ा क्राइम में टाइम मिलता है काम करने के लिए। और अपने सिटी साहब ने और क्या क्या एग्जैक्ट चेंजेस लेके आए यार, बता सकते हैं सर? मैंने बोला ना, सीपी सर आया तब से बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। मैं बोलना चाहूँगा कि लेडीज जो भी है, मैं बोला महिला कक्ष है, निर्भया कक्ष है, जो भी पुलिस स्टेशन क्लीननेस आप जो देख रहे हैं, सीसीटीवी इंस्टॉलेशन, सारे सर के ही यथार्थ जो है नया कानून है उसी के मुताबिक जो भी अपने को रिकॉर्डिंग करना जरूरी है। आई बाइंड है, आई कार है, जो कि स्पॉट पे विजिट करना, तुरंत पुलिस पहुंचना, बहुत सारे अच्छे अच्छे उपक्रम जो कि यथार्थित। तो मुझे लगता है सीबी सर आए तब से है, जबकि एक कानून अभी 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, उसके 1 साल पहले सीबी सर ने जो इन फ्यूचर में लगने वाला है अपने को, वो तो पहले ही शुरू कर दिया था सर ने। तो काफी अच्छा बदलाव, मतलब आपको बहुत अच्छी एक्सपीरियंस मिल रही है। जरूर जरूर सर, नया कुछ, बहुत नया कुछ सीखने को मिला सर से और काफी अच्छा अनुभव रहा मेरा। तो ये और फ्यूचर में भी ये जरूर काम आएगा। और सर आपकी जो नॉर्मल जो जैसे जो नेल्सन सेल्स लेके आए, साइबर क्राइम सेल्स लेके आए, वैसे और कुछ आप कहना चाहते हैं सर? नेल्सन सिस्टम तो लाया है सर, काफी बहुत अच्छा लाया है। क्योंकि हर किसी को एप्लीकेशन भी, हम लोग हर स्टाफ को, कॉन्स्टेबल को भी एप्लीकेशन कर देते हैं सर के जो भी आदेश है उसके मुताबिक नेल्सन सिस्टम में। ताकि पहले कोई एक ऑफिसर को लोड आता था तो वो काम नहीं कर पाता था, पेंडिंग ज्यादा रहता था। जब पेंडिंग से रहेगा तो अपन न्याय नहीं दे पाते हैं सामने वाले को। तो सब समान बांट दिया सबको टाइम, ताकि सबके हिस्से में आया। और बहुत सारे स्टाफ के उसमें जब आदमी को देते हैं तो वो सीखता है, सीखते सीखते बहुत सारा पेंडेंसी भी कम हो गया, क्लीनियस हो गया। भाई बोला मैंने काफी यहाँ पेपर भी बहुत केस डायरी वगैरह पढ़े रहते थे, वो सारे और सबसे इम्पोर्टेंट बात वही मैंने बोला कि जितना पुलिस स्टेशन क्लीननेस रहेगा, स्वच्छ रहेगा, अच्छा रहेगा माहौल, तो काम करने में मजा आता है। और ये सब हमारे जो बानवे सारे उनके वजह से हुआ है, यही मैं बोलना चाहूँगा सर। बहुत बड़ी खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा जैसे सुन के कि आपने इतनी सारी चेंजेस आपने इम्प्लीमेंट किए हैं और अपनी पुलिस स्टेशन को भी एक घर जैसा रखा है आपने। और यहाँ के लोगों की भी जो रिपोर्ट जितने सुनने में आ रही है कि आपने माहौल ऐसे क्रिएट किया कि हम आपके लिए हैं तो आप डरते ही, आप कानून के दायरे के अंदर रहो तो हम आपके साथ। जरूर जरूर, तो इस वजह से हमें बहुत खुशी हुई सर आपके साथ रहेंगे। आपको भी मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू, धन्यवाद सर।